गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर सोशल स्टडीज सब्जेक्ट एंड आई एम योर टीचर मिस सुमेरा अनवर। स्टूडेंट्स, होप यू विल बी सेफ एंड साउंड एंड अंडर द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट द SVT फॉर द मंथ ऑफ मे। सो इन दिस लेक्चर वी विल डू the SVT for the month of May. So take out the SVT. The subject is social studies. Also a book, a pencil and colors with you. First of all, I want to tell you about the given topics, the given lessons. This is lesson number 6 and lesson number 8. I want to tell you about the lesson number 6. It is, the topic is services on page number 29. From 29 to 31, first of all, you have to do the reading of topic services from 29 to 31. Then another topic is given for you, that is number 8, and 8th lesson is work and money. This is also given in the homework task of May 6 and 8 lesson, and 8th lesson is about the work and money, and the topic is work. This is from page number 43 to page number 45. Page number 45, यानी 43 पेज से लेके 45 पेज तक जो टॉपिक है वो वर्क के बारे में, ये आपकी SVT में शामिल है। और उसी तरह 6 लेसन का पेज नंबर 29 से लेके पेज नंबर 31 तक जो है इसकी रीडिंग आपने करनी है। स्टूडेंट्स, अगर रीडिंग के दौरान आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो उसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। PMS ग्रेड 3 सोशल स्टडीज़ बाय मिस हुमैरा अनवर, ये आप देख सकते हैं। आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी अपने साथ नोट कर सकते हैं, और जो सेंटेंस है अगर उसकी रीडिंग आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो वो भी आप कर सकते हैं। तब उसके बाद अगर जब आप रीडिंग कंप्लीट कर ले तब आपने अपनी SVT पर करनी है नीट राइटिंग करके, और SVT अपने ही पेजेस में ही करना है, जो पेजेस आपको मिले हैं उसी पेजेस में करना है, राइट। इसके लिए कोई कॉपी नहीं लेनी, इन्हीं पेजेस में आपने करना होगा। सो टेक आउट पेज नंबर 1 ऑफ the homework task. It is a second homework task for class 3 for the month of May 2020, and the subject is social studies. Student, note it, do reading of unit number 6 plus 8. This is not unit, this is lesson number 6 plus 8. Lesson number 6 is about services, mulazmati, and lesson number 8 is about the work and money, and the topic is work. The very first question is, guess who they are with the help of the given hints. यानी आपको ये 3 hints मिले हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 3 hints हैं। इसके ज़रिए आपने मालूम करना है, अंदाज़ा लगाना है, guess mean अंदाज़ा लगाना है कि किस तरह आपने ये करना होगा। ये 3 hints के ज़रिए आपने मालूम करना होगा। The very first one is part A, keep us safe. कौन हमें महफूज रखता है? Look after the law. कानून की हिफाजत कौन करता है? पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में रहता है। ये 3 hints आपको मिले हैं। Can you guess? Yes, the answer is policeman. Policeman ही है जो हमारी हिफाजत भी करता है, कानून की भी हिफाजत करता है, और पुलिस स्टेशन में होता है। Now the second one is not a doctor. एक डॉक्टर नहीं होती। हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में ही होती है, लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स और मरीजों की देखभाल करती है, उसका ख्याल रखती है। तो ये कौन हो सकता है? अगर ये डॉक्टर नहीं है तो फिर ये एक नर्स होगी। थर्ड वन इज़ वेयर्स अ हेलमेट, एक हेलमेट पहनता है। ट्रेवल्स इन अ फायर इंजन, कहाँ पर? फायर इंजन में, जो आग बुझाने वाला जो इंजन होता है उसमें ट्रेवल करता है। एंड द थर्ड हैंड इज़ यूजेस लॉन्ग हॉजेस, और अपने साथ बड़े बड़े हॉजेस, जो पाइप होते हैं जो जिससे आग बुझाई जाती है पानी की, तो उसके ज़रिए वो आग बुझाता है। ये कौन हो सकता है? यस ऑब्वियसली इट इज़ फायर फाइटर, आग बुझाने वाला। दीज वर थ्री नेम्स गिवन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज़ द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जिस तरह आप कहते हैं ना खाली जगह पुर करें। द डैश डायरेक्ट्स ट्रैफिक ऑन द रोड, कौन है जो ट्रैफिक को रोड पे कंट्रोल करता है, डायरेक्ट्स मीन हिदायत देता है, कौन होता है? स्टूडेंट्स आपने देखा होता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला और डायरेक्शन देने वाला कौन होता है? यस इट इज़ पुलिस मैन। द सेकेंड वन इज़ अ फायर फाइटर वियर्स अ डैश टू प्रिवेंट हिज हेड एंड नेक, एक फायर फाइटर अपने हेड को, अपने सर को और अपनी गर्दन को इसकी हिफाजत करने के लिए क्या पहनता है? हेलमेट, जो अक्सर आपने देखे होते हैं ना मोटरसाइकिल पर, अगर कोई जाता है तो वो हेलमेट पहनता है, ज़रूर आपने देखे होंगे। ये सर और नेक की हिफाजत करता है। द थर्ड वन, इफ देयर इज़ अ डेंजरस फायर इन योर हाउस, अगर आपके घर में इंतहाई ख़तरनाक आग लग जाए, द डैश कैन बी कॉल्ड टू पुट इट आउट, तो किसको बुलाया जाएगा? आप किसको बुलाएंगे? यस हम किसको बुलाएंगे? फायर फाइटर्स या फायर ब्रिगेड को, यानी जो आग बुझाने वाले होते हैं या आग बुझाने वाले अमला जिसे हम कहते हैं, उनको हम बुलाएंगे। तो वो अपने बड़े हॉजेस के ज़रिए वो आग को बुझा देंगे। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर टू। दिस वाज पेज नंबर वन एंड टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर टू। पेज नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द नेम्स ऑफ एनी फाइव जॉब्स, यानी पांच जॉब्स के नाम लिखें। फॉर एग्जांपल टीचर, सोल्जर, मिसाल के तौर पर आपको टू एग्जांपल्स मिले हैं, टीचर उस्ताद या उस्तानी और सोल्जर में सिपाही। आप और फाइव जॉब्स के नाम बता सकती हैं। नंबर वन इज़, ये मैंने अपनी तरफ से फाइव लिखी हैं, अगर आप अपनी तरफ से फाइव लिख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। ये मैंने आपके लिए लिखा है। नंबर फर्स्ट डॉक्टर, नंबर सेकंड इज पायलट, नंबर थर्ड वन इज पोर्टर, द फोर्थ वन इज ड्राइवर, द फिफ्थ वन इज मैनेजर। स्टूडेंट्स ये क्या क्या जॉब करते हैं? डॉक्टर क्या जॉब करता है? डॉक्टर मरीजों की देखभाल करता है, उन्हें मेडिसिन लिखता है। पायलट क्या करता है? ही फ्लाइज एन एरोप्लेन। ड्राइवर क्या करता है? वो ड्राइव करता है गाड़ी को। पोर्टर क्या करता है? कुम्हार, जिसे हम बर्तन बनाने वाले कहते हैं, ये मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। एंड मैनेजर, जो बैंक मैनेजर वगैरह होते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। दीज वर फाइव जॉब्स। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द फॉलोइंग प्रोफेशंस विद देयर डिस्क्रिप्शंस, यानी ये कॉलम बी जो है ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कॉलम ए का। कॉलम ए में आपको सारे प्रोफेशंस मिले हैं, ये सारे पेशे हैं, प्रोफेशन मीन पेशे, और ये किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन है, वजाहत है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ एक्टर, एंड एक्टर, एक एक्टर क्या करता है, एक अदाकार क्या करता है? इसका आंसर है, ये मैंने आपके लिए
कलर से क्रॉस मैच किया हुआ है। आप भी कलर्स निकालें, टेक आउट योर कलर्स एंड क्रॉस मैच इट। एंड एक्टर एक्ट्स इन प्लेस एंड फिल्म्स। जो एक्टर होता है वो ड्रामों में और फिल्मों में काम करता है। ये मैंने इस तरफ पे आपके लिए ABC दोबारा लिखी हैं और आप क्रॉस मैच कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज एन एस्ट्रोनमर, माहिर फलकियात जिसे हम कहते हैं। तो माहिर फलकियात क्या करता है? स्टडीज द स्टार। बी पार्ट, स्टडीज द स्टार, जो सितारों जिसे हम इल्मी नजूम भी कहते हैं, माहिर नजूम भी कहते हैं, वो स्टार्स के बारे में पढ़ता है, स्टार्स को स्टडी करता है। द थर्ड वन इज़ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या है? डेंटिस्ट जो दांतों की हिफाजत करता है, जो दांतों का डॉक्टर होता है। डेंटिस्ट मीन चेक पीपल्स टीथ। क्या करता है? लोगों की दांतों को देखता है, उसकी चेकिंग करता है कि दांत कैसे हैं, क्यों दर्द कर रहे हैं, क्यों ख़राब हो रहे हैं। देन द फोर्थ वन इज़ अ सेलर, मलाह। मलाह वर्क्स ऑन अ शिप। सेलर क्या करता है? एक बहरी जहाज पे काम करता है। द फिफ्थ वन इज़ सोल्जर। सोल्जर मीन सिपाही। सिपाही क्या काम करता है? डिफेंड्स द कंट्री। ये कंट्री को, ये मुल्क की हिफाजत करता है, दिफा करता है। डिफेंस मीन दिफा करना। द सिक्स्थ वन इज एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मीन मुहासिब, जो हिसाब लगाता है। क्या करता है? वर्क्स विद अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स का काम करता है। सेवन्थ वन इज अ बेकर। बेकर मीन कौन करता है बेकिंग? मेक्स ब्रेड एंड केक्स, जो रोटियां या केक बनाता है उसे क्या कहते हैं? बेकर। अ पायलट, पायलट क्या काम करता है? फ्लाइज एंड एरोप्लेन्स, ये एरोप्लेन्स हवाई जहाज़ों को उड़ाता है। एंड द लास्ट वन इज अ शेफ, जिसे हम शेफ कहते हैं। शेफ क्या करता है? कुक्स फूड, खुराक पकाता है। जो हम कुकिंग करते हैं ना, वो जो कुकिंग करता है, जिसे आप बावर्ची भी कहते हैं, तो वो क्या करता है? कुक्स फूड, खुराक पकाता है। स्टूडेंट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। द वेरी लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 5 क्वेश्चन आंसर इन योर SVT फॉर द मंथ ऑफ मे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज योर फादर डू? आपके वालिद क्या काम करते हैं? राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट इट, इसके बारे में बताएं। 3 सेंटेंसेस आप लिखें, यानी आपके वालिद क्या काम करते हैं, डू क्या काम करते हैं। आंसर, मैंने अपनी चॉइस की 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप अपनी चॉइस की सेंटेंसेस लिख सकते हैं जो आपके फादर करते हैं। फर्ज करें आपके फादर जो हैं वो टीचर हैं, आपके फादर जो हैं वो मैनेजर हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो आप वो जॉब लिखें और फिर उस जॉब पे 2 सेंटेंसेस और भी बनाएं, तो 3 सेंटेंसेस आपके हो जाएंगे। द फर्स्ट वन आई हैव रिटन फॉर यू इज़ माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे वालिद एक डॉक्टर हैं। द सेकेंड वन इज़ ही सजेस्ट मेडिसिन टू द पेशेंट्स, वो पेशेंट्स मीन मरीज, वो मरीजों को क्या लिखवाता है, क्या तजवीज़ करवाता है? मेडिसिन, दवाइयाँ। ये डॉक्टर का काम है कि वो मरीज को उसके मर्ज के मुताबिक मेडिसिन लिखे। द थर्ड वन इज़ ही गोज टू हिज क्लिनिक एवरी डे, वो हर रोज़ अपनी क्लिनिक को जाता है। ऑब्वियसली कि वो डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल या क्लिनिक हर रोज़ जाएगा। दीज वर 3 सेंटेंसेस अबाउट माई फादर। यू कैन write 3 sentences about your father, what does he do. These were your SVT 2 pages. Students, at last I will tell you about these two
SVTs, the SVT of April, month of April, and the SVT for the month of May. So students, आप अपने साथ ये SVT जो मई और अप्रैल की जो 2 SVTs हो चुकी हैं ये आप अपने साथ रख लें हिफाजत से। जब भी प्रिंसिपल आपको सबमिशन डेट बता दें तो फिर आपने ये सारे SVTs स्कूल लाना होगी और फिर आपकी SVTs करने जो आप करेंगे उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिलेंगे। नीट एंड क्लियर, इस बात का ख्याल रखें कि नीट एंड क्लियर होनी चाहिए और पेजेस आप ख़राब नहीं करेंगे, बिल्कुल नीट रखेंगे जिस तरह आपको मिली है ये उसी तरह फाइल में रख के नीट रख लें, दोबारा ये ख़राब ना करें। और जब भी आपको डेट मिलेगा सबमिशन का उस डेट पे आपने ये SVTs पर लानी होगी, तब तक ये हिफाजत से रखें। स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ द लास्ट लेक्चर, सो टेक केयर ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़।